एक टीचर ने बच्चे को खड़ा किया और उसे बोला कि ये चैप्टर पढ़ के सुना। बच्चा खड़ा हुआ, बुक पर उंगली रखी और पढ़ना शुरू किया। उसने जैसे ही दो तीन लाइन पढ़ी तो उसे टीचर की आवाज़ आई, सिट डाउन। उसने इधर उधर देखा और पढ़ना फिर से शुरू किया। उसने फिर से जैसे ही दो तीन लाइन पढ़ी तो उसे फिर से आवाज़ आई, सिट डाउन। उसे लगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ और वो डर के मारे बैठ गया। उसी बच्चे के पीछे एक और बच्चा बैठा हुआ था। टीचर ने उसे खड़ा किया कि जो ये चैप्टर पढ़ रहा था वही चैप्टर तू पढ़ के सुना। वो बच्चा खड़ा हुआ, बुक पर उंगली रखी और पढ़ना शुरू किया। उसने भी जैसे ही दो तीन लाइन पढ़ी थी तो उसे भी टीचर की आवाज़ आई, सिट डाउन। वो पढ़ता गया, उसे फिर से आवाज़ आई, सिट डाउन। वो पढ़ता गया, उसे फिर से आवाज़ आई, सिट डाउन। वो पढ़ता गया और पढ़ते 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 उसने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। और चैप्टर जैसे ही ख़त्म करने के बाद अपना सर बुक से ऊपर किया तो उसने देखा कि टीचर तालियां बजा रही थी। तो जो सामने बैठा हुआ बच्चा था उसने बोला कि मैं भी तो वही पढ़ रहा था। तो टीचर ने बोला कि तू भी वही पढ़ रहा था, वो भी वही पढ़ रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो सही पढ़ रहा है। उसे खुद पर भरोसा था, यकीन था, विश्वास था कि वो सही पढ़ रहा है। मैंने तुझे भी सिट डाउन बोला, मैंने उसे भी सिट डाउन बोला, लेकिन तू डर गया, तुझे लगा कि तू गलत पढ़ रहा है, लेकिन उसे भरोसा था, यकीन था खुद पर कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। तो यकीन, भरोसा, विश्वास जिसे आप लोग कहते हैं, उसके बिना इंसान किसी भी काम में सक्सेस नहीं है। इसे मैं सक्सेस की पहली स्टेप कहता हूँ। ये जो विश्वास है ना, यकीन नाम का जो शब्द है ना, इसे मैं सक्सेस का पहला स्टेप कहता हूँ, पहली सीढ़ी कहता हूँ। इसके बिना आप कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तभी आप वो काम कर पाएंगे। थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो ऐसा नहीं कहते थे कि शायद ये जो मैं आविष्कार कर रहा हूँ ये सफल हो जाएगा, बल्कि उन्हें पक्का यकीन था, खुद पर विश्वास था कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये हो सकता है और ये मैं ही करके बताऊँगा। तो विश्वास रखिए दोस्तों, विश्वास के बिना आप कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। और जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको रोकने वाले बहुत आएंगे। जैसा कि इस कहानी में सर ने बच्चों को रोकना चाहता, उनका विश्वास तोड़ना चाहता कि तू गलत पढ़ रहा है, लेकिन आपको हार मानना नहीं है, आपको ये साबित करके बताना है कि मैं सही कर रहा हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है। और जिस दिन आप कर जाओगे उस दिन ये दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही होगी। एडिसन को भी रोकने वाले बहुत थे कि तू ये क्या कर रहा है, ये नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास था कि ये हो सकता है और ये मैं ही करूँगा। और आज आज आप लोग देख ही रहे हैं, उनके लिए लोग आज भी तालियां बजा रहे हैं।